और भाई आज का व्लॉग बड़ा ही मजेदार किस्म का व्लॉग होने वाला है। मतलब आपके लिए मजेदार होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे लिए बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस व्लॉग के अंदर मैं फाइनली अपनी टेस्ला को अपग्रेड करने लगा हूं। बेसिकली काफी टाइम से आप देख रहे थे कि इस चैनल पे टेस्ला के रिलेटेड मैंने वीडियोस लगाना छोड़ दी थी। उसकी रीजन ये थी कि मैं बोरिंग कंटेंट लगाना नहीं चाह रहा था। अब लास्ट जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो ड्रैग रेस वाला व्लॉग था, जहां पर हमजा की बाइक और मेरी गाड़ी की ड्रैग रेस हुई थी और मैंने वहां पर दिखाया था कि गाड़ी के टायर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए थे। मजेदार बात यह है कि टायर आ चुके हैं और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैंने मंगवा ली हैं, तो वो सब चीजें आज गाड़ी के अंदर लगाएंगे। आपको मैं दिखाता हूं क्या क्या चीजें हैं। ओके, मेरी कबर्ड मैस है, उसको छोड़ दें। बट मेरे पास गाड़ी का फाइनली जो योक स्टेयरिंग व्हील है वो आ चुका है और ये लगेगा आज गाड़ी के अंदर। इसके अलावा फाइनली हमारे पास मेरी गाड़ी के लिए एक वायरलेस चार्जर आ चुका है। यार जो भी बंदा मेरी टेस्ला देखता था ना वो एक बात मुझसे जरूर पूछता था, यार इसमें वायरलेस चार्जर है? और मैं कहता था भाई नहीं, टेस्ला में वायरलेस चार्जर नहीं होता। तो आज हम वो इंस्टॉल करेंगे और इसके अलावा भी टायरों का और सेंसर्स का काफी सामान है जो आया है, तो ये सब इंस्टॉल करना है। ऑल्सो भाई पुराने टायरों का क्या करना है, पुराने टायर को जरा काट कूट के भी देखेंगे कि उसके अंदर से निकलता क्या है। क्योंकि मैं ये बात आपको बता दूं, टेस्ला के आम टायर नहीं है, मैंने पूरे पाकिस्तान में देखे मुझे टायर नहीं मिले, मुझे यूके से मंगवाने पड़े हैं। और ये सेंसर्स हैं जो कि चार सेंसर डलेंगे हर टायर के अंदर एक, ये टायर का प्रेशर बताते हैं। मैंने ज़्यादा मंगवा लिए थे, मैंने कहा दोबारा भी ख़राब हो तो आ जाए, मेरे पास आठ हैं लेकिन हम चार रिप्लेस करेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग के आज की जो वीडियो है ना मज़ेदार होगी। अच्छा भाई, जो लोग ईवी चलाते हैं उनको ये बात पता होगी, बट ये गाड़ी घर में चार्ज होती है, मुफ्त चार्ज होती है। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये ऑल दो मुफ्त चार्ज होती है लेकिन महंगी गाड़ी है, मैं शायद इसको ना ज़्यादा निकालूं और मैं अपनी इनसाइट को ही ज़्यादा यूज़ करूँ। बट इसको निकालने के पीछे अक्सर रीज़न ये बन जाती है कि पेट्रोल की प्राइस क्या है उसका मसला नहीं है, बट पेट्रोल पम्प तो जाना पड़ता है ना। ये आपको आदत ही ऐसी डाल देती है कि बस आपने गाड़ी निकाली और आप सीधा ऑफिस चले गए, तो उसकी वजह से भी लोगों को इलेक्ट्रिक कार की आदत पड़ जाती है। मैंने बंद कर दिया, मैंने आपको बल्कि ये दिखाना था। ये टी बॉक्स के नाम से आता है, ये तो इसके सेंसर हैं जो हमने बाद में डलवाने हैं। ये टी बॉक्स के नाम से आता है, ये एक ट्रे सी है जिसको बेसिकली आप रखेंगे इस टेस्ला के इस एरिया में। ये मैं पुरानी इसकी जो ओरिजिनल ट्रे है उसको निकाल देता हूँ और ये नीचे से आप अरेंज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ये ट्रे आएगी कुछ इस तरह करके। ओके, और ये वायरलेस चार्जिंग पैड है, ये वाला जो एरिया ना, तो इसकी वायरिंग करते हैं जरा। थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद हमने फिगर आउट कर लिया है कि इसको कैसे लगाना है और ये आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रीन लाइट है वो भी ऑन हो गई है। और मैं अपना दूसरा फोन रख के दिखा भी देता हूँ आपको। सो फाइनली हमारी टेस्ला के अंदर वायरलेस चार्जर है भाई, टेस्ला चार्ज भी प्रॉपर है, चार्ज रेट रिड्यूस, वॉल टेम्परेचर हाई, वायर चार्जर उतार दे भाई। ये मूसा साहब जो है ना, इनको मैच का बहुत शौक है और इनको मैंने बताया भाई आज हमने टेस्ला के टायर चेंज करने हैं। तो मूसा साहब कैसा फील कर रहे हैं कि आप मैच नहीं देख पाएंगे? बहुत मजा आ रहा है। आपको फील आ रही है वही पाकिस्तानी ब्लॉगर्स वाली जो जा नहीं सके देख रहे? तो दुबई का वीजा रिजेक्ट हो जाता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेम वही है कि इस बार जब सबके वीजे नहीं आ रहे ना, तो वो कहते ना एक ही सफ में खड़े हैं, मतलब मेरी साइकिल और उनकी फरारी एक ही इशारे पे खड़ी है, वो हिसाब है। तो मूसा साहब मैं बस थोड़ा सा घर से होके आ रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं अभी। अच्छा मैच शुरू नहीं हुआ? हाँ सच्ची, चल यार मूसा काम है, यार काम है, मूसा बहुत वेलिया मारता है। ये वो मनहूस पर्सनैलिटी है जो पाकिस्तान को मैच हराती है। आज इसको मैंने कहा मैच नहीं देखना, आज परफॉर्मेंस देखो। स्टीयरिंग चेंज करना बिल्कुल नहीं आता मुझे, तो वी गॉट समवन जो कि थोड़े से एक्सपर्ट हैं गाड़ियों के मामले में और थोड़े बहुत। और अब हम जा रहे हैं एक और वर्कशॉप और वहां से कोशिश करेंगे कि स्टीयरिंग चेंज हो जाए। दूसरा भाई जो टायर है उसको भी हमने देखना है कि उसके अंदर क्या है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम करने जा रहे हैं। सुनील भाई 6 आउट हो गए हैं आपके, क्या ओपिनियन है?
छह आउट है। वो ये क्या भालू जीबा करके ले आए सुनील भाई, छह आउट हो गए आपके। दिल, क्या ओपिनियन? दिल दुखता है, दिल दुखता है। 96 से लेके अब तक दुखी जा रहा है। योग के बारे में आपके क्या ओपिनियन? योग जो है ये शायद आपको बेहतर फील कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मैच पर देखें, आप सिर्फ गाड़ियों में जिंदगी गुजारें। वैसे हमें खोलना नहीं आता इसका स्टीयरिंग, ये भी हम ट्राई करने। तारिक भाई को आता है, तारिक भाई को आता है। तारिक भाई टूट जाए कोई मसला नहीं है, स्लिप निकल जाए कोई ऐसा नहीं। चेक किया ही ना टेस्ला मॉडल 3 का इशू। लो जी सुनील भाई, आपके हिसाब से योग स्टीयरिंग अकलमंदी है या ये वाला स्टीयरिंग अकलमंदी है? मेरी आपको थोड़े ऐसे में शौक उतर जाएगा, मेरे ख्याल से योग स्टीयरिंग प्रैक्टिकल नहीं है। योग स्टीयरिंग प्रैक्टिकल नहीं है मुझे लगता है। तो भाई आप क्या कहते हैं? मैंने ऑनलाइन देखा है तो काफी लोगों ने कहा है कि इसका ये जो लेदराइट है ये बड़ी जल्दी बॉल आउट। वो तो जो नया 21 वाला है वो सारों का ही है ये आप जब मतलब लो में घुमा रहे हैं तो वो ये जो अपने बंदे ने गुलशन गाए बंदे पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में क्राफ्टमैनशिप है कि आराम से ब्लास्ट से बंदर घुस जाएगा, इसका मसला नहीं है। हाँ बाकी ये कि आपने अब मंगवाई लिया तो अब सवाल पूछने का फायदा क्या है? हाँ नहीं मैं तो एक दफा लगा के तो देखेंगे। हम तो आपको डाल रहे हैं ना, आपकी शक्ल से क्लिकबेट करके व्यूज लेंगे। ये भी मर्सिडीज का है, काफी सामान मर्सिडीज का। आप मर्सिडीज के एम्बेसडर हैं, क्या सीन है आपका? बैठते साथ का था, आपने कहा नहीं, और ये देखिए अभी तारिक साहब ने बैठते कहा स्टीयरिंग भी मर्सिडीज का है, ये लिवर शिवल सर अंदर बैठे जो चुप करके बैठे, उन्हें तो ऐसे है कि सारा कोई मर्सिडीज है। चले ये तो वैसे ई क्लास सी क्लास है, आप निकालो ना, मैं आ रहा हूं। ये भी और वो जो आपने मुझे फोन कर देना स्टीयरिंग कर जाए भाई। हमने कहा वाली भाई का एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, वाली भाई से पूछते हैं क्या कहते हैं। मजेदार है बट ये जो है ना सारा ये और क्लियर हो गया, बड़ा भी है कि चला के देखते हैं। चिकावा लगी लग जाएगा। समझ नहीं आनी। हाँ मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी ना आदत नहीं पड़ेगी एकदम से, लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे हो तो आई थिंक ये फिर सांस बनाता है, लो स्पीड पे तो मसला करेगा। वो जो जिस तरह से अगर वो ट्रैक पे जब चलाई थी तो वो आपने हाथ मूव ही नहीं करने, यहाँ से बिल्कुल भी ऊपर आपने लानी नहीं, बट वो घुमा के देख लो अगर खानदानी शेख है, हम तो बाहर ही नहीं निकालेंगे खड़ी करने के लिए। देखे ना वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया होगा ये है जो कि जो हमने सारा फिक्टिशियस बनाया, लेकिन फिर एक हाथ ये है, यू हैव टू बी केयरफुल। ये तो वैसे इवन यूएस के अंदर लोग अवॉइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बड़ा इजी है। आप जरा सा आपका फोकस आउट हो, जरा म्यूजिक सुन रहे हो तो नहीं आप बहुत ज्यादा रिलैक्स। बिलाल रशीद साहब को गाड़ी ना पकड़ाऊं ना मैं, मतलब फिर फोन सुनते जा रहे हैं आप, एक हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, टर्न आगे अब आपने टर्न करना है तो आपका बड़ा रिस्की है कि हाथ से यहाँ से आपको यूं ग्रिप करके स्टीयरिंग को लाजमी जो है वो मतलब अभी एक हाथ का जो टर्न है आपको जरा केयरफुल होना है कि गैंगस्टर लीन नहीं ऑन कर सकते हैं। तूने लगा सा दिया कोई गैंगस्टर वाला, किसने लगाया? लो जी सिस्टम ये है कि रजा भाई उतरे, मैं उतरा गाड़ी से और चाबी अंदर पड़ी थी, और सीन ये है कि चाबी की बैटरी लो है तो गाड़ी ने चाबी आई थिंक डिटेक्टिव ही की और गाड़ी ने डिसाइड किया कि वो लॉक हो जाएगी। अब घर से चाबी मंगवानी पड़ेगी दूसरी यार। टेस्लास ना आजकल हमें बड़ा तंग कर रही है। दूसरी की हम बता नहीं सकते। फाइनली पहुंच गए हैं हम टायर शॉप के ऊपर, और ये आसिफ ट्रेडर्स के नाम से शॉप है, बाली भाई हमारे साथ है, एंड वी हैव फाइनली डिसाइडेड कि हम ये उतार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। चाबी आ गई थी, गाड़ी खुल गई है, ये उतार रहे हैं। अभी हम इन टायर्स को खोल के देखेंगे कि इन टायर्स के अंदर और नॉर्मल टायरों में क्या फ़र्क है। नॉर्मल टायर तो आपने बहुत देखे होंगे, टेस्ला के टायर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये तो बड़े प्यार से खुल गया। नहीं नॉर्मल लोग तो वो बहुत टाइट नहीं रखते ये सारे, अच्छा बॉय। सीन ये है कि हमने लेफ्ट वाला टायर उतार लिया, वो लेके जा रहे हैं और उस टायर को काटने लगे हैं, देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। तो भाई हमने टायर काटना कर दिया शुरू और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। यार हमारा प्लान तो ये था कि हम इसको फुल ऑन काट देंगे भाई, इसमें से चिंगारियां निकल रही थी, तो वी डिसाइडेड कि इसको उतार के ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि फुल ऑन चिंगारी सिस्टम ऑन हुआ हुआ था और यहाँ पे बकायदा स्मेल भी आ रही है। हाँ और मुझे तो ये बाद में याद है, मैंने कहा इसके अंदर तो मेटल की वायर्स भी होंगी।
तो भाई ये वो फर्क है जो मैं कह रहा था, इसके अंदर बकायदा तौर पर फोम दिया गया है, ये आप देख भी सकते हो। ये मैंने उतार भी लिया क्योंकि ये टायर जाया हो गया, तो अब इसका कोई फायदा नहीं है। ये नए वालों के अंदर भी आप देख सकते हो फोम है, इसमें नमी आ जाती है। टायर जो है ना, अगर मुसलसल आप 5-6 घंटे भी गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये टायर गर्म नहीं होता, इसलिए उन्होंने फोम लगाया। ओके। और ये हमारे पुराने टायर की हालत है। जब मैं लास्ट टाइम ड्रैग में कह रहा था ना कि टायर की हालत खराब है, तो ये बिल्कुल ही जान बिल्कुल ही खत्म है भाई, इस पे चला रहे थे हम इस गाड़ी को, और हम तो भगा ही ऐसे रहे थे कि जैसे नॉर्मल है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खत्म है ना। लाइक ये देखो, और इसमें है ही नहीं, मतलब यू कांट रियली सी। ऑल्सो हाँ हाँ और वो काफी पहले ही खत्म, हाँ और इसका तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो देखे वो कितना अंदर है उसके, और ये देखो कितना बाहर आया हुआ है। फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया है, गाड़ी के टायर चेंज हो गए हैं, गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील चेंज हो गया है, गाड़ी के सेंसर भी बदले गए हैं, वो रीसेट हो रहे हैं, तो होपफुली वो रीसेट होने के बाद चल जाएंगे। एंड दिस बिन अ हेक्टिक डे। अब बस एक गाड़ी थी जो सुनील भाई के घर खड़ी करनी है मैंने, वो मैं कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जा रहा हूँ। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत सी चीजें हमने सीखी, जिनमें से एक ये चीज है कि गाड़ी के अंदर चाबी रख के नहीं भूलनी। तो वो सिचुएशन है क्योंकि गाड़ी की चाबी की बैटरी लो हुई है और गाड़ी ने डिटेक्ट ही नहीं किया कि चाबी उसके अंदर है, तो उसमें हमारे को 3-4 घंटे जाया हुए हैं। लेकिन तुम्हारे फॉलोअर्स को ये पता है ना कि जब सुनील भाई के घर गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या होता है? वैसे नहीं, उनको नहीं पता, वो रिजल्ट आएगा तो बताएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।